हेलो स्टूडेंट्स, तो वो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारा थर्ड लेसन है वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो थर्ड लेसन क्या है? बकरी का अपराध। ओके, और ये बकरी का अपराध है वो लेसन किसने लिखा है? राजेश गुप्त ने। ओके, तो सबसे पहले क्या हम देख लेंगे? शब्दार्थ, और शब्दार्थ आपको फायर बुक में लिखने हैं सबसे पहले। ओके, तो लगाव, लगाव मीन्स की संबंध, अटैचमेंट। फिर है कक्ष, कक्ष मीन्स की कमरा, रूम। कमरा होता है उसको कक्ष भी बोलते हैं। फिर है यात्रा, यात्रा मीन्स की भ्रमण, अ जर्नी, हम घूमने जाते हैं, है ना, तो उसको यात्रा बोलते हैं। फिर है जी जान से करना, मीन्स की किसी काम में अपनी पूरी ताकत लगा देना, टू मेक एन ऑल आउट एफर्ट। तो अपनी जी जान से काम करता है वो, ओके, उसको जी जान बोलते हैं। फिर है आदेश, आदेश मीन्स की आज्ञा, ऑर्डर, ये आदेश देना, ऑर्डर करना, उसको क्या बोलते हैं? आदेश। फिर है हैरान मीन्स की दंग, दंग रह जाना, सरप्राइज्ड। फिर है आग बबूला हो गए मीन्स की अत्यंत क्रोधित होना, आग बबूला मीन्स की क्या? बहुत क्रोधित होना, टू बी वाइल्ड विथ रेज। फिर है दंड, दंड मीन्स की सजा, पनिशमेंट। फिर इनकार, इनकार मीन्स की अस्वीकार, रिफ्यूज, देनी। फिर है हाजिर मीन्स की उपस्थित, प्रेजेंट। फिर है निर्दयता, निर्दयता मीन्स की क्रूरता, क्रूएंटली। अवहेलना, अवहेलना मीन्स की उपेक्षा, इंटेंशनल डिसरिगार्ड। फिर है जघन्य, जघन्य मीन्स की बहुत गंदा, बहुत गंदा, अति निंदनीय और बुरा, हाइनस। फिर है विधवा, विधवा मीन्स किसको कहते हैं? जिसका पति न हो, विडो। फिर अनाथ, असहाय, बेसहारा, जिसका कोई मालिक न हो, ऑर्फन। फिर है गुहार, गुहार मीन्स की दुहाई, रक्षा के लिए पुकार, कॉल फॉर हेल्प, रेस्क्यू, कि कोई बुला रहा हो कि मुझे हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, ऐसा बोलते हैं ना, इसको गुहार लगाना बोलते हैं। फिर है बुद्धि, बुद्धि मीन्स की समझ, विजडम, इंटेलिजेंस। फिर है आकर्षित, मनमोहक, जो अपनी तरफ खींचता हो, अट्रैक्टिव, आकर्षित मीन्स की अट्रैक्टिव। फिर है उपाय मीन्स की तरीका, तरकीब, आइडिया, मुझे एक आइडिया आया है, ऐसा बोलते हैं ना हम। फिर है घोषणा, घोषणा मीन्स की ऐलान, अनाउंसमेंट। ओके, तो यह हमने शब्दार्थ देख लिए, अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है उसमें? सबसे पहले तो महाराज कृष्णदेव राय को पेड़ पौधे से बहुत लगाव था, तो ये लेसन है ना। तो उसमें एक महाराज की बात है, तो वो महाराज था, उसका नेम क्या था? कृष्णदेव राय। तो महाराजा कृष्णदेव राय था, उसको पेड़ पौधे से बहुत लगाव था, मीन्स कि उसको पेड़ पौधे बहुत पसंद थे, उनके राज्य में पेड़ पौधे की कमी नहीं थी। तो राजा है कृष्णदेव राय, उसको पेड़ पौधे से बहुत लगाव था, इसलिए उसके राज्य में पेड़ पौधे की कमी नहीं थी, सारी जगह पर पेड़ पौधे बहुत सारे थे। एक बार महाराजा कश्मीर यात्रा पर गए, तो एक बार महाराजा है कृष्णदेव राय, वो कश्मीर यात्रा पर गए, वहाँ उन्होंने बहुत सुंदर फूल वाले पौधों के बगीचे देखे। तो वहाँ पर उसने क्या देखा? कि बहुत सुंदर फूल वाले पौधों देखे, पौधों के बगीचे देखे, जिनमें से एक पौधा उन्हें बहुत पसंद आया। तो महाराज को पेड़ पौधे से बहुत लगाव था, और वो कहाँ पे गए थे? कश्मीर। तो वहाँ पर वो बगीचे में उसने
एक बहुत अच्छा फूलों वाला पौधा उसको पसंद आ गया था, तो जिसे वे अपने साथ विजयनगर ले आए। तो महाराज थे कृष्णदेवराय, उसका नगर कौन सा था? विजयनगर। और वो विजयनगर के महाराजा थे, तो वो कश्मीर गए थे और उसको एक पौधा बहुत पसंद आया, तो वे अपने साथ उसको विजयनगर ले आए। उन्होंने अपने मालिक को बुलाया और उसे वह सुनहरे फूलों वाला पौधा देते हुए कहा, इसे ले जाकर हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना जो हमारे कक्ष की खिड़की के ठीक सामने हो। एक बात मत भूलना, इसकी देखभाल जी जान से करना। अगर यह पौधा नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। तो महाराज कश्मीर गए थे ना, तो उसको एक सुनहरे फूल वाला पौधा बहुत पसंद आ गया था, तो वो विजयनगर अपने साथ लेके आए और फिर उसने अपने मालिक को बुलाया और उसे वो सुनहरे फूल वाला पौधा उसको दिया और कहा, इसे ले जाकर हमारे बगीचे में लगाओ, पर वो ऐसी जगह लगाना है जिसे जो हमारा कमरा है, मतलब कि वो राजा का कमरा है, कक्ष है, उसकी ठीक उसकी खिड़की है, उसके ठीक सामने हो, तो इसलिए वो अच्छे से देख सके। इसलिए उसने कहाँ पर लगाने को बोला? उसके कमरे की खिड़की के ठीक सामने लगाने को बोला। और महाराजा ने कहा कि एक बात मत भूलना, इसकी देखभाल है वो जी जान से करना, मतलब कि पूरी लगन से करना। तो महाराजा ने माली को ऐसा भी कहा, अगर ये पौधे को कुछ भी हुआ, ये पौधा नहीं रहा, तो तुम भी नहीं रहोगे, मतलब कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर ये पौधा नहीं रहा तो। तो महाराज की आज्ञा पाकर माली पौधा लेकर चला गया। तो महाराज ने माली को कहा और कहा ना कि ये पौधे को बहुत अच्छे से रखना। तो महाराज की आज्ञा पाकर माली पौधा लेकर चला गया राजा के आदेश के अनुसार, मतलब कि राजा के आदेश के, मतलब कि आज्ञा से उसने ऑर्डर दिया था ना, इसलिए उसकी बात मानकर उसने उस पौधे को महाराज की खिड़की के ठीक सामने लगा दिया। वह उस पौधे की देखभाल जी जान से करता। तो माली वो पौधा लेकर गया बगीचे में और महाराज की खिड़की के ठीक सामने उसको लगा दिया और वह पौधे की देखभाल जी जान से कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी जान उस पौधे के साथ जुड़ी थी। महाराज कृष्णदेवराय सुबह शाम अपने महल से उसे देखते, वे माली की मेहनत से प्रसन्न थे। महाराज सुबह और शाम अपने महल से वो पौधे को देखते रहते और माली बहुत अच्छे से पौधे को रख रहा था और मेहनत कर रहा था वो पौधे के पास, इसलिए उसकी मेहनत को देखकर महाराज माली पर बहुत प्रसन्न थे। एक दिन महाराज कृष्णदेवराय जब सोकर उठे और खिड़की खोली तो हैरान रह गए। तो एक दिन महाराज कृष्णदेवराय जब सोकर उठे और खिड़की खोली तो वह हैरान रह गए। तो उसने एक दिन सोकर उठे महाराज और अपनी खिड़की खोली और देखा तो वो हैरान रह गए। हैरान मीन्स कि वो सरप्राइज्ड हो गए। क्यों? क्योंकि सुनहरे फूल का पौधा अपनी जगह नहीं था। उन्होंने फौरन माली को बुलवाया। तो सोकर उठे तो महाराज ने क्या देखा कि सुनहरे फूल वाला पौधा अपनी जगह नहीं था। उसने फौरन मीन्स कि इमीडिएटली माली को बुलवाया। माली डर के कारण थर थर कांप रहा था। क्यों? क्योंकि वो पौधा नहीं था, इसलिए माली डर रहा था और थर थर कांप रहा था। वह डरते डरते दरबार में हाजिर हुआ। महाराज बहुत नाराज थे। उन्होंने उससे पूछा, पौधा कहाँ है? वह कांपते हुए बोला, कौन? माली कांपते हुए बोला, मामा महाराज, उसे तो मेरी बकरी खा गई। यह सुनते ही महाराज आग बबूला हो गए और माली को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। तो माली ने ऐसा बोला कि मेरी बकरी वो पौधे को खा गई। यह सुनते ही महाराज आग बबूला हो गए, मतलब कि अत्यंत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा आ गया और माली को मृत्युदंड
देने का आदेश दे दिया, उसको मृत्यु की सजा दे दी। जब माली की पत्नी को यह पता चला तो वह रोती बिलखती हुई महाराज के पास आई। तो माली की पत्नी को पता चला कि मेरे पति को मृत्युदंड मिलने वाला है, इसीलिए वो रोती हुई महाराज के पास आई, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। पर माली की पत्नी की बात सुनने से महाराज ने इनकार कर दिया, मतलब कि मना कर दिया। माली की पत्नी तेनालीराम के घर पहुंची और उनके पैरों में गिरकर अपने पति को बचाने की गुहार करने लगी। तो माली की पत्नी थी वो महाराज के पास गई, पर महाराज ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए फिर माली की पत्नी है वो तेनालीराम के घर पहुंची और उनके पैरों में गिरकर अपने पति को बचाने की गुहार करने लगी। मतलब कि माली की पत्नी उसके पति को बचाने के लिए तेनालीराम से हेल्प मांग रही थी कि मेरे पति को आप बचा लो। तेनालीराम ने उसे उठाकर बिठाया और उससे पूरी बात पूछी। तो वो रो रही थी और अपने पति को बचाने के लिए कह रही थी तेनालीराम को, इसलिए तेनालीराम ने उसे उठाया और बिठाया और उससे सारी बात पूछी। फिर माली की बात सुनकर तेनालीराम ने उसके कान में कुछ कहा और समझाकर घर वापस भेज दिया। तो ये पूरी बात सुनकर मालिन मीन्स की माली की पत्नी होती है उसको मालिन बोलते हैं, ओके, मालिन भी कहते हैं, माली। फिर अगले दिन विजयनगर में हंगामा मच दिया। विजयनगर में हंगामा मच गया। माली की बीवी नगर के हर चौराहे पर जाती और बीच में घूंटा गाड़कर एक मजबूत रस्सी से बकरी को बांध बड़ी क्रूरता से उसकी पिटाई करती। तो माली ने क्या कहा, माली की बीवी थी वो विजयनगर था, उसके हर चौराहे पर जाती और वहाँ पर एक घूंटा गाड़कर और उस वो घूंटा मतलब कि वो खिली जैसा होता है वो डालकर वो मजबूत रस्सी से वो बकरी को बांध देती और बड़ी क्रूरता से मतलब कि। तो माली की बीवी नगर के हर चौराहे पर जाती और घूंटा गाड़कर एक मजबूत रस्सी से बकरी को बांध देती थी और बड़ी क्रूरता से उसकी पिटाई करती, मतलब कि उसको बहुत मारती थी। फिर विजयनगर में जानवरों को निर्दया से पीटना एक जघन्य अपराध था। तो विजयनगर में जानवरों को पीटना अलाउ नहीं था, मतलब कि विजयनगर में जानवरों को निर्दयता मीन्स की क्रूरता से मारना पीटना एक जघन्य अपराध था, मीन्स की वो एक अपराध कहलाता था। मारना कोई भी जानवर को अलाउ नहीं था। तो माली की बीवी जब वो बकरी को मार रही थी ना, इसलिए ये सारी बात जो खबर कोतवाल को लगी। कोतवाल मीन्स की जो जानवरों की देखभाल करता है वो, तो कोतवाल को लगी। तो उसने बकरी और मालिन को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। क्यों? क्योंकि वो बकरी की पिटाई कर रही थी, इसलिए वो कोतवाल ने बकरी और मालिन को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। फिर महाराज ने मालिन से पूछा, तुम इस बेजुबान जानवर को बुरी तरह से क्यों पीट रही हो? तो महाराज ने मालिन से पूछा कि तुम ये बेजुबान, मतलब कि ये जानवर तो कुछ बोल नहीं सकता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बेजुबान। तो ये तुम बेजुबान जानवर को बुरी तरह से क्यों पीट रही थी? तो मालिन बोली, अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि महाराज है वो सारा उसका सारा नगरजनों को है ना वो अन्न देता है, पैसे देता है ना, इसलिए उसको अन्नदाता कहा जाता है। तो मालिन ने बोला कि अन्नदाता, यह वही बकरी है जिसने आपका सुनहरे फूल का पौधा खाया है। इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसने आपके आदेश की अवहेलना की है, इसलिए इसे दंड मिलना ज़रूरी है। तो मालिन ने महाराज से कहा कि
ये वही बकरी है जिसने आपका सुनहरे फूल का पौधा खाया है। इसे ये पौधा खाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इसने आपके आदेश की अवहेलना की है। अवहेलना मीन्स की उपेक्षा की है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपके खिलाफ गई है, इसलिए उससे दंड मिलना ज़रूरी है। इसलिए दंड मीन्स की उसको सजा मिलनी ज़रूरी है। इसके अपराध की वजह से मैं विधवा और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तो इसको अपराध मिलना ज़रूरी है। मालिन बोली, क्योंकि ये बकरी की वजह से मैं विधवा हो जाऊँगी। क्यों विधवा? वो बोली क्योंकि उसका पति को मृत्यु दंड दिया था, इसलिए वो महाराज को बोल रही थी कि मैं विधवा हो जाऊँगी और मेरे बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे। आप इतने न्याय प्रिय राजा है, आपके राज्य में एक अपराधी कैसे खुला घूम सकता है? इसे दंड मिलना ही चाहिए। मालिन ने क्या बोला कि आप इतने न्याय प्रिय, मतलब कि वो कृष्णदेवराय महाराज थे, वो हमेशा न्याय करते थे, किसी के साथ अन्याय हो वैसा वो नहीं करते थे। इसीलिए मालिन ने कहा कि एक अपराधी है, ये आपका तो अपराधी है, ये बकरी तो ये पूरे नगर में से खुला कैसे घूम सकता है? इसे दंड मिलना ही चाहिए। मालिन की बात सुनकर महाराज बोले, अच्छा तो यह वही बकरी है जिसने पौधा खाया था। तो मालिन की सारी बात सुनकर महाराज बोले कि अच्छा तो ये वही बकरी है जिसने पौधा खाया था। महाराज की समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि मालिन में इतनी बुद्धि कहाँ से आई। महाराज सब समझ गए कि ये क्या कह रही है और किस लिए कह रही है, पर महाराज की समझ में नहीं आ रहा था कि मालिन में इतनी बुद्धि कहाँ से आई, मतलब कि मालिन में इतनी समझ कहाँ से आई। महाराजा ने मालिन से कहा, ठीक है हम तुम्हारे पति को माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने यह सब किसके कहने पर किया है। तो महाराज ने मालिन से कहा कि तुम ठीक है, मैं तुम्हारे पति को माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने यह सब किसके कहने पर किया। तो फिर मालिन बोली कि महाराज तेनालीराम की सलाह पर मैंने यह सब किया है। तो फिर मालिन क्या बोली कि यह सब मैंने तेनालीराम की सलाह से किया है। महाराज बोले, अच्छा तेनालीराम। महाराज ने तेनालीराम से कहा, तुम अलग अलग उपाय करके हमारे गलत निर्णयों की और हमारा ध्यान आकर्षित करते हो और हम प्रसन्न हुए। तो महाराजा बोले कि अच्छा तेनालीराम ने ये किया था, है ना। तो महाराज ने तेनालीराम से कहा कि तुम अलग अलग उपाय, मतलब कि अलग अलग आइडिया करके हमारे गलत जो निर्णय होते हैं, जो मैं गलत करता हूँ, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हो, उसके लिए हमें कहते हो, इसलिए हम प्रसन्न हुए। महाराज कृष्णदेवराय ने खुश होकर मालिक को माफ़ कर दिया और तेनालीराम को यह सब करने के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा थर्ड लेसन फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।